Ya sobat Aska, Hurin 11 Cricket Club, Chikli Buldana Yanni, चला क्षेत्र रक्षण लावून घ्यायचं आहे. नॉन एफिक जिंकलंय हुरेन क्रिकेट क्लब चिखली आणि नॉन एफिक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. या संघाचे सलामीवीर जावेद चौधरी, शहजाद अली यांचे साथ देण्यासाठी खरंच प्रथम गोलंदाजीसाठी आलाय कारभारी लवारे. या बोलते मुन्ना भाई, कोण जीतेगा ये मॅच, विदर्भ और मराठवाडा? पहिला चेंडू रिवर्स खेळण्याचा होता प्रयत्न आणि चेंडू जातोय सरळ निर्धाव. पहिला चेंडू खूप जोरात असा टाकलाय, चेंडू सरळ येऊन लागलाय बॅटला आणि चेंडू जातोय एक धावांसाठी. काय वाटतंय सर प्रेक्षकांना? मी या ठिकाणी विनंती विचारतोय, कोण जिंकेल हा महत्वाचा सामना? मला असं वाटतं की विदर्भ हा टीम जिंकेल. कशामुळे सर, कारण सांगायचंय? कंटिन्यू रोटेट करतायत त्यांचं बॅटिंग, त्याच्यामुळे वाटतंय. आणि गरज पडली तर छक्का चव्वा असं मारतायत ते, त्यामुळे मला वाटतंय की विदर्भ हे जिंकेल. थँक्यू सर. काय कट केलंय चेंडूच, डावल होण्याची शक्यता होती, थोडस बंबल झालंय आणि महत्वाचा प्लेअरला बाद करण्यापासून वाचवलंय. परत आणखीन काही प्रेक्षकांना मी विचारणार, काय वाटते कोण जिते का मॅच? त्यावर बोल, कोण जिते का मॅच? मुंबई जोगी. चलो, चेंडू वाढलाय ग्राउंड मध्येच आणि चेंडू जातोय सर चार धावांसाठी. क्यू लगताय आपको अंबाजोगाई जितेगी, बताइए थोडा. षटकामध्ये शुक्रिया छोटू भाई, काय वाटतंय सर तुम्हाला? खूप वेळ झाला सकाळपासून बसला तिथे मॅच पाहण्यासाठी. कोण जिंकेल हा सामना महत्वाचा आणि कोण करेल प्रवेश सरळ सेमी फायनल मध्ये? चला सांगायचं सर. गेम आहे, गेम मध्ये काही सांगता येत नाही. कोणाचा खेळ तुम्हाला चांगला वाटतोय? अंबाजोगाचा पण चांगला आहे आणि बुलढाणा पण चांगला आहे. काय खासियत दोघांची? बॅटिंग बॉलिंग
फिल्डिंग दोन्ही पण दोघांचं पण बॅटिंग बॉलिंग आवडते तुम्हाला. येस धन्यवाद. आपण सकाळपासून या ठिकाणी मॅच पाहत आहे. परत एक प्रेक्षक या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करत आहेत. काय वाटतंय जी बॅटिंग सेफ आउट करून मारायचा प्रयत्न चेंडूला पाठवलाय सरळ सी मारेच्या पार चौकार. बॅटिंग ओवर झाली आहेत. ओवर संपली आहे. षटक संपलं या ठिकाणी. एक षटक संपलेलं आहे. नऊ धावा झाल्या आहेत. चला कॅमेरामॅन फोकस करायचे पब्लिक कडे. प्रेक्षकांना हात वर करायचे. प्रेक्षकांनी सुद्धा या ठिकाणी मन जिंकले त्या स्पर्धेमध्ये. खरंच प्रेक्षकांचा सुद्धा मी या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. एक ओव्हर की समाप्ती के बाद 9 रन संख्या है. एक विकेट के नुकसान पर. एक तेरी तो एक मेरी. अभी मैच की है बारी. पिछली मैच में जीती थी चिखली बुलडाना. अब है अंबा जोगाई की बारी. बिल्कुल सर ऐसी कुछ है ये कहानी. क्रीडा मंत्री चषक 2000 उदगीर की. ओके ओके चेक करता है. ये बाउंड्री पैर से टकरा कर गई थी बल्लेबाज के बैट से. नहीं थी ये गेंद लेके फाइनल क्षेत्र रक्षक इसे अड़ाने में सफल रहे हैं या नहीं ये देखना होगा. वेट वेट बिल्कुल बिल्कुल दो ही रन होंगे. यहां पर तीसरे अंपायर की भूमिका में है ओम मुंडे. चेक किया है. लेग बाइज रन है ये. बिल्कुल अंपायर महाराज का इशारा आता हुआ लेग बाइज का इशारा है. 11 रन एक विकेट के नुकसान पर. ये ओवर नंबर 2 जारी है जिसे लेकर आए हैं नितिन मुंडे. डॉट यहां पर पुल करना चाह रहे थे. ठीक से बल्ले पर आई नहीं गेंद. एक रन दौड़कर पूरा किया. दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया. एक ही रन से संतुष्ट. इस एक रन के साथ में रन संख्या 12 रनों पर जा पहुंची है. बारह रन एक विकेट के नुकसान पर. सहा षटकांचा हा सामना आहे. धन्यवाद महाराज खूपच मेहनत घेतली आजच्या तारखेमध्ये. आपण महाराज साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. नितिन मुंडे एक बार फिर से चल पड़े गेंदबाज. सामना करेंगे हुजैब. पॉइंट की दिशा बेहतरीन शॉट यहाँ पर. क्या जबरदस्त स्क्वायर कट खेला है. 4 रन मिलते हुए हुजैब के लिए. बिल्कुल सर तलवार की धार रही थी ना वैसा मारा है अभी का शॉट. गेंद को जोरदार प्रहार करने का प्रयास. अपील यहां पर की जा रही है. अंपायर ने इसे आउट दिया है. तो दूसरा विकेट यहां पर गिरा है हुजैब के रूप में और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज अकरम काजी.
एक हार्ड हिटर बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है और अब तक के दिन भर में आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का फल मिलने वाला ये मुकाबला है। आपने दिन भर क्या किया वो कोई मायने नहीं रखता, इस मुकाबले में आप क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक तेरी या एक मेरी पिछले मुकाबले में इसी अंबाजोगाई टीम को, ओवेस इलेवन टीम को परास्त किया था विदर्भ की टीम ने, क्या वो अपना बदला वापस ले पाएंगी अंबाजोगाई की टीम। फिलहाल 16 रन है 2 विकेट के नुकसान पर, एक स्ट्रांग पोजिशन में दिख रही है अंबाजोगाई की टीम, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ से 70 से 80 रन अगर बना पाते हैं विदर्भ की टीम तो उनके लिए बहुत फाइटिंग स्कोर होगा। 16 रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है जिसे लेकर आए हैं नितिन मुंडे, सामना करेंगे अक्रम काजी। बढ़िया गेंद, सम्मान दिया है हल्के हाथों से, रन लेने के लिए कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज जावेद चौधरी, इन्होंने भी मना किया, बखूबी जानते हैं कि पिछले मुकाबले में पहला मुकाबला जो खेला था अर्धशतकीय पारी खेली थी, उसके दूसरे मुकाबले में पहली गेंद पर आउट होकर वापस लौट चुके थे, तो यहाँ पर उनको जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। इस ग्राउंड का बिल्कुल अभ्यास उनके लिए हो चुका है, सुबह से 3 मुकाबले खेल चुके हैं। बढ़िया गेंद और क्या जबरदस्त शॉट, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन। पाटलांचा तर नाही पण इथं अक्रम काजीचा जो गाडा बैलगाडा आहे त्याने नक्कीच या महाराजांच्या शेतात राडा केलाय। हे महाराजांचं शेत आहे ज्या मैदानात आपण खेळतो आहोत, पण शर्यत या ठिकाणी सर क्रिकेटचे फक्त बैलगाड्याची नाहीये। इथून महाराजांचे या मैदानात इथून आपण जिथपर्यंत आपली नजर जाईल तिथपर्यंत महाराजांची जागा आहे। कारंजा रियल इस्टेट, खरच रियल इस्टेट आहे ती। रॉन्ग गेंद, जगन्नाथ गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे, क्या ये कैच हो पाएगा? जी नहीं, 1 बाउंस नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है जिसके कारण फील्डर को सिर्फ उसे रोक कर वापस फेंकना होगा। 1 रन से ही संतुष्ट और बड़ा विकेट बन सकता था ये जावेद का, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, अर्धशतकीय पारी खेल चुके इस मैदान पर, उनके विकेट लेना मतलब इस मैच को अपने काबू में कर पाना, लेकिन इस रणनीति में सफलता नहीं मिली अभी। एक बार फिर से अक्रम काजी स्ट्राइक पर, ओह यॉर्कर लाइन की गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी लेकिन बल्ले पर संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर। बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए सोहेल, तेज गेंदबाज है उसके बावजूद क्लोज कीपिंग कर रहे हैं और बिल्कुल ये ब्लॉक होल की गेंद को भी उन्होंने बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लिया। रन संख्या वही पर रुकी है 23 रन, जगन्नाथ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, अब तक के गेंदबाज जगन्नाथ ने 2 गेंदें डाली है, मात्र 1 रन खर्च किया है और एक मौका बनाया था जावेद चौधरी को आउट करने का, लेकिन नो मैच लाइन में गिरी दुर्भाग्यपूर्ण, उसे कैच करने पर कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। फिर से ब्लॉक होल की गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को बांध कर रखा है, बांध कर अगर रखने वाली गेंदबाजी अगर होती है तो रन बनाना बहुत मुश्किल होते हैं, हर गेंद पर आप प्रहार नहीं कर सकते, हर गेंद पर आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते, लेकिन इस तरह के ब्लॉक होल की गेंदबाजी को आपको सिर्फ और सिर्फ सम्मान देना होगा। लेकिन क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो एक ही टप्पे पर पूरी 6 की 6 गेंदें डाले, कुछ गेंदें तब्दील करना पड़ती है, हो जाती है, उसका गलत गेंद का इंतजार बल्लेबाज को करना होगा। और एक नामचीन खिलाड़ी है अक्रम काजी, बिल्कुल जानते हैं अक्रम, और ये बढ़िया गेंद थी, इसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर जो खड़े हैं फील्ड करते फेंकते दौड़ते 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने, तो जहां पर सिंगल्स नहीं आ रहे तो सिंगल्स लेने की कोशिश की गई अक्रम द्वारा, उन्हें पता है कि 2 गेंदें डॉट हो चुकी है, हर गेंद पर प्रहार नहीं हो सकता, तो अच्छी गेंद पर ड्राइव किया, सिंगल्स लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 1 रन को पूरा किया। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए एक बार फिर से जावेद,
स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 24 रन दो विकेट के नुकसान पर, तीसरे ओवर का खेल जारी है। पॉइंट की दिशा में खेला है, बेहतरीन स्क्वायर कट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, खिलाड़ी के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई फील्ड करने में, लेकिन अच्छा फील्ड किया और एक रन से दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, उसे स्क्वायर कट खेलने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। इस तरह के शॉट के लिए कोई भी बड़ा शॉट खेल पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फरहाल सिंगल्स जरूर यहां पर पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 25 पर रन संख्या जा पहुंची है, दो विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद चल पड़े है जगन्नाथ, अंतिम गेंद इस ओवर की। पटकी भी गेंद थी, बिल्कुल पुल किया है और पावरफुल शॉट है ये गेंद 6 रनों के लिए। जावेद चौधरी, जिनको अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है, खोलने नहीं दिया है, लेकिन एक बात बताता हूं, शेर को पिंजरे में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, खतरनाक शेर है ये विदर्भ टाइगर जावेद चौधरी। क्या लगता है मुन्ना भैया, क्या करेंगे अपने टीम के लिए? 18 गेंदें बची है, यहां से 18 गेंदों से चाहिए होंगे 36 से 50। मैंने कहा था पहले ही ये बात, शेर को स्ट्रोक यहां पर पहली गेंद पर काफी देर से बांध कर रखा था, 6 गेंदों से 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 7वीं गेंद जब आई तो उन्होंने कहा थाला फॉर रीजन, ये सिक्सर चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी और सेम थाला की तरह ही मारा है, रिवर्स शॉट, आज के दिन का सबसे खूबसूरत शॉट लगा इस दिन में। बार बार रिप्ले देखिए एमएस स्पोर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर, क्या शॉट मारा है, रिवर्स शॉट, सही में प्रेक्षकों का दिल जीत ले भाई इस शॉट ने, क्या शॉट लगाया भाई, वाह भाई वाह, गोलीगत छक्का। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, दो गेंदों पर दो छक्के लग चुके हैं, बैक टू बैक दो सिक्स आते हैं और छक्के भी किस बार गेंदबाज को लगाए है, नितिन मुंडे, तीसरा सिक्स, क्या हैट्रिक लग पाएंगी छक्कों की, बल्लेबाज एक बार फिर से भाई वाह भाई वाह, इसे फलंदाजी करते है भावा उदगीर मध्ये, विदर्भ टाइगर, क्या लगता है मुन्ना भाई, क्रिकेट में यहां पर जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं जावेद चौधरी, 6 गेंदों पर 6-6 लगाना इतना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, और ये 360 डिग्री बल्लेबाजी हो रही है, देखिए यहां पर आप एंगल चेक कीजिए, एक था मिड विकेट पर, एक था डीप पॉइंट पर रिवर्स शॉट, एक था स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, कुल 3 छक्के 3 गेंदों पर लगे हैं, 6 गेंदों पर 6 छक्के लग सकते हैं, लेकिन सामने मैंने पहली का एक जबरदस्त गेंदबाज है, बहुत ज्यादा अनुभव है इस गेंदबाज के पास में, नितिन मुंडे ब्रांड कहते हैं इसे, 33 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है ये, इतना आसान नहीं होगा इनको 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाना। ये देखिए ये गेंद डाल दी जिसे ड्राइव करने पर मजबूर किया, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दोनों खिलाड़ी वहां पर, ये टीम कॉम्बिनेशन है, एक खिलाड़ी ने पैर से रोका, हुसैन है वहां पर हैश, उन्होंने फील्ड किया और दूसरे खिलाड़ी फील्ड कर गेंद को अंदर पहुंचाते हुए 50 रन, अर्धशतक यहां पर टीम का पूरा हो चुका है,
काफी देर तक बांध कर रखा था, लेकिन ये तीन छक्कों ने बिल्कुल यहाँ पर रुख पलट दिया है। एक रोमांचक मुकाबला। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, हल्के हाथों से खेला है, डी पॉइंट पर माफ कीजिएगा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल्स लिया है, स्ट्राइक को रोटेट किया है। एक बार फिर से जावेद चौधरी स्ट्राइक पर, पांच गेंदे हो चुकी है, 51 रन संख्या बन चुकी है अब तक के। चौथे ओवर का खेल जारी है, अभी भी इस ओवर के बाद दो ओवर का खेल बाकी है। 12 गेंदों से अगर 25 से 30 रन बनाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, फाइनल के जैसा ही मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से डीप पॉइंट पर खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, फील्ड करते थ्रो करते एक रन दौड़कर पूरा किया, ओवर हुआ समाप्त। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 52 रन, दो विकेट के नुकसान पर और अब 12 गेंदों का खेल शेष है। अंतिम दो ओवर का खेल शेष है, अगर 12 गेंदों से 25 से 30 रन यहां पर बनते हैं तो बहुत जबरदस्त मुकाबला यहां पर, मैं कहता हूं कि यही वो दो टीमें हैं जो फाइनल के दावेदार कही गई थी। फाइनल से पहले का फाइनल ये है। थाला फॉर रीजन 7 नंबर जर्सी। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन वाइड का इशारा था अंपायर का और रिव्यू लिया गया। यहां पर एक ही रिव्यू लिया जाएगा हर टीम को। छेंडू टाकला होता, सब चेक होगा। 13 छेंडू मध्ये 36 धावांवरती खेळतोय विदर्भाचा टाइगर जावेद चौधरी। काय मारलाय फटका, सरळ जातो संजय भाऊ बनसोडे यांच्या बॅनरकडे, गोलीगत षटकार। मुक्की टेंगुळ तर नाही दिला ना? परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, परत चेंडूला पाठवलंय सीमा रेषा पार, षटकार। सोळा चेंडू मध्ये 48 धावा ठोकल्यात, आपलं वैयक्तिक दुसरं अर्धशतक आणि या स्पर्धेतला तिसरा अर्धशतक करू शकेल का जावेद चौधरी। परत चेंडूला पाठवलंय, 1 bounce 2 bounce सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि एकच धाव या ठिकाणी। खूपच महागडा असं षटक जगन्नाथ पटोळे यांच्याकडनं आले ह्या ओव्हरला। 78 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जावेद चौधरी 17 गेंदों से, और अक्रम बल्लेबाजी कर रहे हैं 7 गेंदों से 14 रनों पर। तो 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैंने कहा था 2 ओवर में 30 से 40 रन अगर आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर होगा, लेकिन 1 ओवर में ही 28 रन यहाँ पर अर्जित कर लिए बल्लेबाजों ने। तो 5 ओवर का खेल समाप्त, 78 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रेक्षकांना सामने आवडले का नाही? आवडले असतील तर एकदा हात वर करायचे। मारलाय फटका बाबा, केले तुने हवा, चेंडूला वाढवले पत्ते गरज जावेद चौधरी। थँक्यू डीजे। जावेद चौधरी यांची बॅटिंग, त्यांचं अर्धशतक आजच्या तारखेला, दुसरा अर्धशतक आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या जाऊ दे भाई। जावेद चौधरी नावाचं वादळ या उदगीरच्या स्टेडियम मध्ये। परत एकदा चेंडूला डिलिव्हर केलंय, 1 bounce चौकार।88 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रेट ड्राइव किया है खिलाड़ी वहां पर
लॉन्ग ऑफ पर नितिन मुंडे फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ में रन संख्या हुई जावेद चौधरी बक्षीस आले, अर्धशतकी खेळी गेले, संदीप गायकवाड यांच्याकडे 101 रुपयाचा, संग्राम गायकवाड यांच्याकडे 101 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आलेला आहे। आणखीन प्रेक्षक कोणी जर पारितोषिक द्यायचं असेल तर माझ्याशी संपर्क करायचा आहे। चला तीन चेंडू वरती तीन षटकार मारले, वाइड या दोन चेंडू वरती दोन षटकार मारले तर संग्राम गायकवाड यांच्याकडनं 501 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आलेला आहे। दोन चेंडू मध्ये दोन षटकार, पहिला षटकार तर आला या ठिकाणी, काय सुंदर फटके। तर या ठिकाणी आले, एक चेंडू मध्ये एक षटकार मारायचा आहे, बक्षीस घेऊन जायचंय काझी खेळाडूंची। तर बॅटिंग फलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या प्रेक्षकांनो। प्रेक्षकांना विनंती आहे, आजचा चौथा दिवस आहे, आजचा सुद्धा ट्रेलरच असेल, उद्याचा आहे खरा धमाका, फायनल डे, अंतिम दिवस। जावेद चौधरी साठी एकदा स्वरात तो नव्याण्णव धावांचा डोंगर ठेवले अंबाजोगाई संघाला। काय फलंदाजी होती, पावसाचा पाण्याचा पाऊस तर काय माहित नाही, पण षटकार आणि चौकारांचा पाऊस मात्र आजच्या तारखेत या ठिकाणी होतोय। प्रेक्षकांची मन जिंकली, जावेद चौधरी आपलं पारितोषिक संग्राम गायकवाड यांच्याकडनं घेऊन जायचंय लगेच। खूप सुंदर अशी खेळी, वा वा, संग्राम गायकवाड साठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, कारण खेळाडूंचं मनोबल, खेळाडूंचा उत्साह वाढला या पारितोषिक देऊन। चलो आज का तो, आज के पिछले तीन दिन का तो ट्रेलर था, आज का भी मैं कहूंगा ट्रेलर ही है, फाइनल डे तो कल है मिया, कल का दिन फाइनल दिवस, क्रीडा मंत्री चषक 2024 चा उद्याचा फाइनल अंतिम दिवस आहे। ये जे चार संघ क्वालिफाय करतील उद्या भेटतील एकमेकांसोबत आणि कळेल उद्याचा अंतिम विनर कोण आहे, कोण जिंकेल ही महत्वाची ट्रॉफी, क्या लगता है कोण जीतेगा, जो क्वालिफाई किया है परली, यामतपुर, उदगीर, और आज का कौन जीतेगा, क्या लगता है आज कौन क्वालिफाई करेगा आपको? दोनों ही टीमें काफी फाइट हैं, तो ये मैच बुल्डाना और अंबाजोगाई के बीच नहीं, अकरम काजी और नितिन मुंडे के बीच है। तो दोनों ही ऑलराउंडर है, काफी फाइट खेले हैं, अब तक बैटिंग दोनों की अच्छी रही है, बॉलिंग भी अच्छी रही है, दोनों के बीच मैच है और ये मैच आपको क्या लगता है नितिन मुंडे कर पाएंगे अपने टीम के लिए कुछ, जा रहे अपनी जुड़ी के साथ, क्या लगता है नितिन मुंडे के बारे में बोलिए कुछ? कर सकते हैं, इनके अंदर काबिलियत है, कुछ भी कर सकता है, बस लक होना चाहिए बस। बिल्कुल मिया, ये क्रिकेट है, कुछ बता नहीं सकते, जिनका बल्ला चला उन्हीं को जीता यहाँ पे घोषित किया जाएगा।
काय सामने होते हैं, दोन दिवस झालं कालचे सामने, सिद्धार्थ कौटाळेंनी चार चेंडूवर चार षटकार, आजचे सामने जावेद भाईचे दोन अर्धशतक, वा काय सामने रंगतायत भावा, क्रीडा मंत्री चषक ची हवाय। 99 रन बनाने हैं जीत के लिए। और ओम मुंडे जो कमेंटेटर है पब्लिक में जाकर उनका रिव्यू ले रहे हैं कि किस तरह से मुकाबले हुए हैं, आपको क्या क्या पसंद आया इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर और एक बख्शीस है यहाँ पर संग्राम गायकवाड़ की ओर से, फर्स्ट ओवर में तीन चेंडू तीन गेंद पर तीन षटकार जो भी लगाएगा उसको 501 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। दोनों में से कोई भी मारे तीन गेंदों में तीन षटकार मारे और 500 ले जाए। ला लगाया है संजय भवन छोड़े के बैनर के ऊपर से जा रहा है, पहली गेंद नई गेंद, क्या इशारा बताया महाराज ने। हो गई इच्छी के लिए हम बता भाई रिवर्स खेलना चाहता प्रयत्न, परफेक्ट मिडल झाला नहीं, निर्धाव जातो हा चेंडू, गेंद के पीछे फील्डर, क्या पकड़ा कैच को, कैच पकड़ी है ये मैच, समझ नहीं आ रहा है। आसान नहीं होता है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की प्रदर्शन कर रहे हैं विदर्भ के खिलाड़ी। एक बड़ा खिलाड़ी सोहेल जो आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता था उसे पैविलियन लौटा दिया है रईस शेख ने, एक विकेट 6 रन के स्कोर पर। तो यहां पर एक रोमांचक मुकाबला, 99 का लक्ष्य है, 99 के लक्ष्य के पीछा करने के लिए जिस तरह से बल्लेबाजी की आवश्यकता है बिल्कुल उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी, बेहतरीन कैच कंप्लीट किया, कैचेस विन द मैचेस इसे ले कहते हैं कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया, ये कैच बहुत मुश्किल होता है पीछे दौड़कर जाना। 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने इसी तरह से कैच पकड़ा था, वो वर्ल्ड कप जीता था, उसी तरह ट्रेविस हेड ने 2011 में कैच पकड़ा था और वर्ल्ड कप जीता था, एक कैच आपको वर्ल्ड कप जीता सकता है इसका बेहतरीन। सर जी 1983 का वो वर्ल्ड कप था और पिछला जो वर्ल्ड कप था वो 2023 का 23, मतलब 3 इक्वल है, 50 साल बाद फिर से कैच पकड़ा गया। ओहो घुटना देख तमाशा देख, ये शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई है। नितिन मुंडे एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बखूबी जानते हैं कि वो विकेट पर टिके रहे तो ये लक्ष्य भी पूरा कर पाएंगे, और मैंने सुबह ही कहा था कि ये दोनों ही टीमें जब जब आमने सामने होती है तो 100 रन का लक्ष्य भी पार किया जा सकता है, 50 रन भी डिपेंड किए जा सकते हैं इस तरह के दो। फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास था, जोरदार अपील जरूर किया जा रहा है लेकिन अंपायर के नजरों में कोई गलती नहीं, गेंद हेयर डिलीवरी रही है और जो अपील किया गया था उसे खारिज कर दिया अंपायर कारंजा रियल एस्टेट के सर्वे सर्वा महाराज सर ने। इस डॉट गेंद के साथ में ओवर की हुई समाप्ति, पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 7 रन 7 एक विकेट के नुकसान पर और अभी भी जीत के लिए। क्या लगता है बशीर भाई कौन जीतेगा ये मैच? 30 गेंदों में 92 रन 92 रन चाहिए। उल्टॉस गेंद खेल दिया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी ऊंचा उसके नीचे, व्हाट अ कैच, कैचेस इन द मैचेस बार बार कहा जाता है।
अभी तक आशा है प्रेक्षकों की, अंबाज हो गई आप पर भरोसा जता रही है प्रेक्षक, क्या बोलते हैं अंबाज हो गई करके दिखाओगे? जब तक नितिन मुंडे है तब तक तक इस टीम में अभी तक जान है। उजिप अकरम काजी आए गेंदबाजी को, पहली गेंद पर एक बेहतरीन विकेट हासिल करते हुए जावेद शेख का, और नए बल्लेबाज अब जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं वो है हुसैन हैश, सात रन दो विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव जरूर किया है, रईस वहां पर मौजूद है, शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को फील्ड करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं वहां पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ है, सात रन दो विकेट के नुकसान पर। क्या कहेंगे उमी, सेवन रन है, थाला फॉर रीजन है, यहाँ पर तो विकेट गिर रहे हैं, थाला फॉर रीजन विनर के लिए होता है लेकिन यहाँ पर उल्टा है, थाला यहाँ पर दूसरे टीम में ऐसा लग रहा है। बढ़िया गेंद इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, अलोंग द कारपेट उसे फील्ड करने का मौका है, एक रन ही से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को इस एक रन के साथ में, रन संख्या धीमी कछुए की चाल की तरह आगे बढ़ती हुई, आठ रन दो विकेट के नुकसान पर, 99 रनों का लक्ष्य है, ये लक्ष्य मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ऐसे लक्ष्य भी पार किए गए हैं और होते आए हैं, आमने सामने हमेशा से दोनों टीमें भिड़ी है जब जब। पटकी भी गेंद थी नितिन मुंडे का, ये बेहतरीन पुल वहां पर खिलाड़ी मौजूद रखा गया है नितिन मुंडे के लिए, प्रोटेक्शन मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नितिन को, नितिन का विकेट पर टिके रहना बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है टीम को अगर जीत की ओर अग्रसर करना होगा, क्योंकि ये निर्णायक मुकाबला है, इस मुकाबले की जीत के बाद ही आप सेमीफाइनल के लिए आ सकते हैं, और अगर दुर्भाग्यवश अगर आप जीत नहीं पाए तो यहाँ से आपका सफर खत्म हो जाएगा। पटकी भी गेंद थी, फिर से पुल किया है, स्लोवर फुल टॉस कहते हैं जिसे, माफ कीजिएगा स्लोवर बीमर कहते हैं जिसे, माफ कीजिएगा स्लोवर बाउंसर कहते हैं जिसे। बहुत देर के बाद आए नितिन मुंडे स्ट्राइक पर, 10 रन दो विकेट के नुकसान पर, ये भी अपने टीम के लिए एक टाइगर ही है, ब्रांड है ये, क्या लगता है कर पाएंगे टारगेट अपना कंप्लीट? ओहो घुटना टेक और ये चौका देख, गलत जब चौदह रन दो विकेट के नुकसान पर, दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, मतलब अभी 24 गेंदें बची है और 85 रन, 85 रन चाहिए। चौबीस गेंदों का खेल बचा है, 24 गेंदों से बनाने हैं 85 रन, 85 रन। प्रेक्षकांनी हजेरी लावली आहे, त्या प्रेक्षकांचं मी या ठिकाणी कारंजा रिअल इस्टेट यांच्या तर्फे मी मनापासून स्वागत करतो, आपण काम सोडून महत्वाची आपण हे सामने पाहण्यासाठी आलात। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए रईस शेख यहाँ पर मौजूद है, वेट 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 यहाँ पर एक इनाम आया है, अगर कोई भी गेंदबाज यहाँ पर हैट्रिक लेता है, अगर गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो यहाँ पर 1001 रुपए का प्राइज है। पॉइंट की दिशा में खेला है, ऊपर कट जिसे कहते हैं सेवा का सिग्नेचर स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई फील्ड करते थ्रो करते तब तक के मौका था बल्लेबाज के पास दौड़कर रन पूरा करने का, लेकिन नितिन मुंडे अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे, एक ही रन से हुए संतुष्ट, इस एक रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी हुई है 15 रन दो विकेट के नुकसान पर। रिवर्स शॉट खेला है और जिस लिए वो रुके थे उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट नहीं किया था, उसका कारण यही है कि गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की उनकी इच्छा थी।
27 ज्याचे आयोजक आहेत महाराज कारंजे रिअल इस्टेटचे संचालक स्वतः महादू कांबळे. खूप छान असं आयोजन कारंजे रिअल इस्टेट यांच्यातर्फे करण्यात आलं या स्पर्धांचं. खरंच त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी मनापासून आभार. प्रेक्षकांना हे सामने आवडत असतील तर आमच्यासाठी एकदा आयोजकांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. प्रेक्षकांनो खरंच तुम्हाला या उदगीरमध्ये या सामन्यांचा आनंद आवडत असेल. शॉर्ट चेंडू होता अप्परकट करण्याचा प्रयत्न होता जो ठरलाय अनसक्सेसफुल. बाईस रन संख्या है दो विकेट के नुकसान पर. 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. 16 तालुके यहां पर खेलकर गए हैं जिसमें से 3 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं. आज चौथे सेमीफाइनलिस्ट की तलाश है. रिवर्स शॉट खेला है यहां पर हुसैन ने और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए. बहुत जबरदस्त स्ट्रोक. 28 रन संख्या जाकर पहुंच चुकी है 3 ओवर की समाप्ति के बाद. 26 चला या षटकात जर हॅट्रिक घेतली आहे तर 1001 रुपयांचा पारितोषिक या षटकामध्ये काझी यांच्यासाठी. हॅट्रिक मिली तो 1001 रुपये का बक्षीस मिला. एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई. चेंडू वरत बसून मारण्याचा होता प्रयत्न नितीन मुंडे यांचा त्यामध्ये ठरले तर यशस्वी होऊयात आपल्या संघासाठी. 16 चेंडू मध्ये 69 धावा. काय फटका मारलाय चेंडू जातोय सी मारेच्या पार. कारंजा रिअल इस्टेट षटकार. क्रीडा मंत्री चषक 2024 भव्य तालुकावय स्पर्धा उदगीर त्यांचे आयोजक महादू कांबळे महाराज स्वतः अंपायरिंग करताना महाराजांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. खूप मेहनत घेतली आज. वा महाराज वा एकदम आज चेहऱ्याचा कलरच बदलून टाकला. आबा अतिरिक्त हाईट साठी अंपायर कडे अपील करतायत बॅट्समॅन आणि डिसिजन पाठवले अंपायरने थर्ड अंपायर कडे. चला फेअर डिलिव्हरी चौथे ओवर की अंतिम गेंद. रन संख्या है 37 रन 37 रन दो विकेट के नुकसान पर. जीत के लिए अभी भी
13 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया इसे मिड विकेट क्षेत्र में, वन बाउंस के बाद गेंद बॉटम लाइन के बाहर। बिल्कुल मुन्ना भैया, दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है, ऐसे कहते हुए बारह गेंदों में 58 रन। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बारह गेंदे 58 रनों की आवश्यकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां से भी मुकाबले जीते गए हैं। एक ओवर में 54 की आवश्यकता थी, वो मुकाबला भी जीता है। क्या बात कर रहे हो, कहां पे हुआ था ये ऐसा अद्भुत घटना? इम्पॉसिबल की बात थी वो घटना, के आंखों देखा हाल साक्षीदार हमारे दोनों कैमरामैन हैं। ओह क्या जबरदस्त प्रहार है, मिडल ऑफ द बैट लिया है, गेंद को जाने दिया है सीधा। ओह क्या जबरदस्त, ओ भाई दिल्ली दिया काजी, अकरम काजी बोलते कैच को आम की तरह पकड़ते। तारीफ कर रहे हैं आपकी काजी भाई, 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और नितिन मुंडे वापस लौटते हुए और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज एजाज सैयद। 11 गेंदे 58 रन, और अभी जो अकरम काजी ने कैच पकड़ा है रुपेश पाटिल इनके ओर से, ₹100 का इनाम दिया गया है। वो आकर जो पुरानी खिलाड़ी है उल्टॉस गेंद स्टेप आउट किया है, गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट। अकरम काजी के लिए कैच का इनाम आया है रुपेश पाटिल इनकी ओर से, ₹100 का इनाम। एक बेहतरीन कैच वहां पर लपका था अकरम काजी यहां पर, जो अपने उदगीर के पुराने खिलाड़ी है मुनीर खुरैशी और मोहम्मद चाचा इस मैच का आनंद लेते हुए यहाँ पर अपने कारंजा स्टेडियम पर। 10 गेंदों में 52 रन, अभी भी 9 छक्के लग सकते हैं। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। बैट का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद फाइनल क्षेत्र पर गई है, फील्ड किया है, डायरेक्ट हिट का मौका था वहां पर, लेकिन बचपन में गोटिया कम खेले है खिलाड़ी। 1 रन यहां पर दौड़कर पूरा किया है, 48 रन संख्या है, 3 विकेट के नुकसान पर, 9 गेंदे और 51 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अभी भी 9 गेंदों से 9 छक्के चाहिए। पटकी भी गेंद थी, पुल किया है, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मुनीर खुरैशी और मोहम्मद चाचा का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप इस मैच का फायदा आनंद ले रहे। अकरम काजी जिन्होंने दिल जीत लिया है अभी के कैच का, कैच पकड़ के जो दिल जीती है। रुपेश पाटिल हल्णीकर इनकी ओर से आपको ₹101 का यहाँ पर प्राइज है उस कैच के लिए। क्या सही में क्या कैच पकड़ा था भाई, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए अकरम काजी और उनकी पूरी टीम के लिए। अंतिम ओवर लेकर देखना है गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। 6 गेंदों से 47 रन, शहबाज अली गेंदबाजी के लिए आए हैं। और यहाँ पर एक तेरी और एक मेरी वाला यहाँ पर जो किस्सा चल रहा था काफी देर से, वो विदर्भ की टीम चिखली बुल्ढाना ने उसे ब्रेक लगा दिया है, पहले भी मेरी अब भी मेरी। 6 गेंदे 47 रन, और इस मैच के बाद यकीनन सर ये तेरी मेरी नहीं है, सिर्फ ये अब मेरी मेरी कहानी कर दिया है यहाँ पर विदर्भ की टीम ने। चिखली क्या खेली है ये टीम,
टेप आउट करके मारा है, क्या लंबा छक्का ये, वाह भाई वाह। फिर से स्टेप आउट करके मारना चाहते थे हमारे एक तिरंगा स्पोर्ट क्लब के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है मोहम्मद भाई, वो भी इसी तरह खेलते, हर गेंद को स्टेप आउट करके खेलते, उसी तरह खेला जा रहा है यहाँ पर। चलो आपसे जो भी छक्का लगेगा, हर छक्के को ओवेश भाई की तरफ से हर छक्के को 101 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है। हर छक्के को एक भी छक्का लगा 100 रुपए अकाउंट में जाके गिरा। कोशिश तो बिल्कुल की थी। सामना वीराचा पुरस्कार महाराष्ट्र पोलीस चे कर्मचारी पवन सर यांच्या हस्ते या ठिकाणी देणे देणार आहे। पवन सरांना मी या ठिकाणी विनंती करतो। मारलाय षटका, अरे परत एकदा काजी एक हातामध्ये बड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन चिखली टीम, हुर्रे एक बार पूरे टीम के साथ यहाँ पर हिप हिप हुर्रे। पवन सर अपना विनंती करते अपन इकड़े अपने शिवभाषिकाणी सामनावीराचा पुरस्कार। बघा ज्यांनी प्रेक्षकांची मन जिंकले तो जावेद चौधरी या सामन्याचा सा... सर्व संघांनी खरंच तुमचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करावं, तेवढं कमी आहे। चारी टीमच्या चिठ्ठ्या काय गोलंदाजी, काय गोलंदाजी, आणि ही आताची अक्रम काजी यांची ही कॅच। मी रुपेश पाटील सरांना इकडे बोलवण्याचा प्रयत्न करतोय, आपल्याच शुभ असते या ठिकाणी या कॅच साठी जो पारितोषिक आपण दिले ते अक्रम काजी या खेळाडूला आपण द्यायचंय। रुपेश पाटील हळणीकर खरंच सर आपले सुद्धा या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद, खेळाडूंचं मनोबल उत्साह वाढावा यासाठी आपण जे बक्षीस दिलात त्याच त्या बक्षिसांसाठी मी मनापासून धन्यवाद करतो। या ठिकाणी कॅमेराच्या समोर यायचे सर, काय कॅच घेतली होती खरंच एकदा अक्रम काजी यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जात्या, खूप सुंदर क्या लगता है सर वो कैच हो सकती थी आपको लग रहा था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का शुक्र है, तो नहीं होने वाली थी, मतलब मैं कोशिश किया क्योंकि मैं गरुड़ में जब खेलता हूँ तो मेरा 100% गया, मैं अच्छा खेला तो बाकी के लड़के अच्छे खेले, फिर क्योंकि अपन जिम्मेदारी लेंगे तो सब पे जिम्मेदारी बोल सकते हैं किसी को, तो काफी अच्छा लगा खेलकर और बहुत बहुत मैं कमेटी का शुक्र करना चाहूंगा क्योंकि और सब में ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं जनता का कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं या दूर से गेम स्प्रिट दिखा रहे हैं, बाहर के टीम को सपोर्ट गार सपोर्ट, तो काफी मैं सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ और आज एक कंपटीशन कहना चाहता हूँ और जावेद चौधरी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरा कैसा थोड़ा
पिछले सीजन उसके लिगामेंट से जरा परेशान था वो, तो आउट ऑफ फॉर्म था, अभी फॉर्म में आ गया है, तो मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ऐसे खेलते रहो इंशाल्लाह, हम उनको सपोर्ट में कभी भी है। थैंक यू, एक फिर एक बार आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए एक सबक था, अगर मैं कैच नहीं लूंगा तो यंगस्टर मेरे तरफ देख कर क्या सीखेंगे, मैं ही क्या छोड़ूंगा सीनियर प्लेयर, तो यंगस्टर मेरे पे नाम उठाएंगे और अपना ये क्या छोड़ने का परंपरा चलता रहेगा। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच जो आज के दिन के स्टार प्लेयर विदर्भ स्टार विदर्भ टाइगर जावेद भाई चौधरी, दिनों ने पूरे उदगीर क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है, उनके लिए एक बार सही सच्चे दिल से जोरदार ताली हो जाए भाई, क्या खेला है ये बंदा, वाह भाई वाह, दिल छू लिया आपने, एक ही दिल था, दो अर्धशतक लगा के दो बार जीत लिया आपने, क्या लगता है क्या है लगा दूसरा अर्धशतक हो सकता है, आप टॉप पर है बेस्ट में सीरीज के, इसमें क्या लगता है आपको, ले जाएंगे आप ही यहाँ पर क्रीड़ा मंत्री चषक 2024 का मैन ऑफ द सीरीज? मैन ऑफ द सीरीज के बारे में तो नहीं, लेकिन पहली बार उदगीर में आए तो 77,777 और तुम्हारी खूबसूरत ट्रॉफी, इसके लिए ट्राई करेंगे। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक कल के मैचेस के लिए। चलो यहाँ पर चिट्ठियां उछाली जाएंगी और कल का सेमीफाइनल लाइव चलो ये चिट्ठियां लाइव उछाली जाएंगी, यहाँ पर जो फर्स्ट चिट्ठी उठाएंगे उनकी मैच दूसरी चिट्ठी के साथ और तीसरी चिट्ठी की मैच चौथी चिट्ठी के साथ, देखते हैं चार टीम है यहाँ पर, कल के चार सेमीफाइनलिस्ट लाइव लाइव हो रहा है यहाँ पर, चिट्ठियां निकालने का प्रोग्राम, क्रीडा मंत्री चषक 2024 महाअंतिम सोहळा उद्याचा